गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। बगीचे में मिला पति पत्नी का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के भरौली गांव के दक्षिण तरफ बाग में मुसहर दंपत्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के भरौली कला गांव के दक्षिण तरफ बाग में थाना क्षेत्र के करकटपुर गांव निवासी मेलहू मुसहर पुत्र स्वर्गीय सीताराम मुसहर उम्र लगभग 62 वर्ष तथा मेलहू मुसहर की पत्नी सुलेखिया देवी मृत अवस्था में पाई गई। ग्रामीणों की सूचना पर करीमुद्दीनपुर के थाना अध्यक्ष प्रदीप सिंह दलबल के साथ पहुंचने की छानबीन की। मौके की छानबीन करने के बाद महिला के हाथ में चूड़ी से कटे का निशान पाया गया। इसके अलावा उनका पेट फुला हुआ था। मामले की तहकीकात के बाद उपस्थित लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस को मृतक के बारे में डिटेल जानकारी मिला। उपस्थित लोगों ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी है, जिसका नाम मेलहू मुसहर व सुलेखिया देवी है। पुलिस ने ग्राम प्रधान को सूचित कर मौके पर बुला लाश के तफ्तीश करने के बाद कब्जे में ले थाने ले गई। थाने ले जाने के बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दे थाने पर बुला लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपस्थित लोगों ने बताया कि मेलहू तथा उसकी पत्नी प्रतिदिन क्षेत्र में घूमकर लकड़ी काटकर उसे बेचने का काम करते थे। शाम के समय वे नशे में धुत होकर खेतों के रास्ते अपने घर को जाते हुए दिखाई दे देते थे। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा। एसओ ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना स्पष्ट हो पाएगी। सर, करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में सर एक पुरुष और महिला का शव प्राप्त हुआ है, सर क्या पूरा प्रकरण? आज सुबह थाना करीमुद्दीनपुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि गांव भरोली कला में एक छोटा सा बाग है, उसमें एक वृद्ध पुरुष और महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस पर तत्काल मौके पर थाना प्रभारी एडिशनल एसपी में स्वयं भी गया। प्रथम दृष्टया, क्योंकि जब आसपास के लोगों से पहचान कराई गई तो पास का ही करकटपुर गांव के दोनों की पहचान हुई है। मृतक दंपति हैं, मृतक का नाम मेलहू मुसहर है और उसकी पत्नी सुलेखिया है। मृतक जो पुरुष है उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है और मृतका की एक आध चूड़ी टूटी हुई है और हाथ पे हल्की सी चोट का निशान है। इसमें फील्ड यूनिट ने मौके पर जाके सभी साक्ष्यों का संकलन किया है। अभी किसी तरह की कोई आशंका किसी के द्वारा नहीं जताई गई है। परिजनों को भी सूचना दे दी गई है, डेड बॉडी पीएम के लिए भेज दी गई है। एडिशनल एसपी, हमारी स्वैट सर्वेलेंस टीम और थाना प्रभारी, तीन टीमें उस पर लगातार काम कर रही हैं, पूरी की पूरी उस बारे में जानकारी कर रहे हैं घटनाक्रम के। जैसे ही अगर कोई संज्ञान में तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीएम अभी कराया जा रहा है। धन्यवाद।